काला पानी नेपाल का हिस्सा है, इसको 62 के बाद जब चीन से लड़ाई हुई थी, राजा महेंद्र से अनुरोध करके भारत सरकार ने कुछ समय के लिए उसे लिया था। ये विवाद कोई नया विवाद नहीं है, ये बहुत पहले से काला पानी वाला मसला जो है और लिपु लेक का भी, ये दोनों मसले बराबर चर्चा में रहे हैं। इसमें दोनों सरकारों की ढिलाई है कि इन्होंने बातचीत करके इसको सुलझाया। नेपाल के अपने जेन्युइन प्रोसेस है, उसको भारत देख नहीं पाता है, इसलिए कि भारत एक बड़ा राष्ट्र है और उसके बाद आप कहते हैं कि ये चीन की तरफ मुखातिब हो रहा है। नेपाल के दो ही पड़ोसी देश हैं, एक भारत है और एक चीन है। अगर भारत इस तरह से करेगा तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी मदद के लिए कहीं तो हाथ फैलाएगा। तो खैर, ये मामला कुल मिलाकर बातचीत करके हल करने का है, टेबल पर बैठ करके नक्शे पर रख के दोनों के अपने विभाग से हैं।